चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। डायलॉग चाहिए, एक ही डायलॉग बोलूंगा, आली रे आली, आती कन्हैया का बारी आली। इतना जोश, एक आवाज के लिए इतना आवाज है मैं कभी नहीं देखा। देखिए मेरा हिंदी इतना ठीक नहीं है, इसीलिए ज्यादा मन की बात नहीं कह सकता मैं, लेकिन दिल की बात बोलूंगा। एक बात याद रखिएगा, इस देश की चुनाव में कोई नेता या कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं जीतेगा। चुनाव को ऐसे देखना है कि जब हम सही कैंडिडेट को जिताएंगे तो हम जीतते हैं, जब गलत लोगों को जिताते तो हम हारते हैं। चुनाव इस देश में हमारा जीत और हार की मामला है, किसी एक के नहीं। ये देश इस चुनाव दो लोगों के बीच में है, एक सुपुत्र है और एक कुपुत्र है। सुपुत्र तो हमारा बेटा है जो सुशिक्षित है, कन्हैया कुमार। कुपुत्र वो है जो कुटिलोपाय करते हैं, उनका नाम मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलिए। मेरा और कन्हैया का क्या रिश्ता है और मेरा बेगूसराय से क्या रिश्ता है? इंसानियत का रिश्ता है। मेरा और कन्हैया का रिश्ता, मैं उसका रिश्तेदार नहीं हूं लेकिन उसकी दर्द से मेरा रिश्ता है। कन्हैया की सच्चाई जो है उसके साथ मेरा रिश्ता है। और मैं यहां कन्हैया के लिए नहीं, आपसे भीख मांगना आया हूं, क्योंकि कन्हैया सिर्फ बेगूसराय की आवाज नहीं, इस देश की आवाज है। इस आवाज की जरूरत है हमें। जो कन्हैया हैदराबाद आता है दलितों के लिए लड़ाई करने के लिए, संघर्ष करने के लिए, जब बैंगलोर आता है वहां किसी का मौत होता है, कत्ल होता है, उसके लिए आता है, जो नजीब के लिए जाता है, जब किसान के लिए आवाज उठाता है, आज इस देश को वो आवाज चाहिए। देखो मैं भी लड़ रहा हूं बैंगलोर सेंट्रल से, और पिछली मीटिंग में कहा मैंने, अगर भगवान मेरे सामने आते हैं और कहते हैं प्रकाश आप भी लड़ रहे हैं, कन्हैया भी लड़ रहा है, दो सीटें में एक ही सूट चुनूंगा, मैं किसको भेजू संसद, तो मैं भगवान से बोलूंगा कन्हैया को भेजो, कन्हैया को भेजो, वो आवाज है इस देश की। बेगूसराय के लोगों ने ये सोचना है क्या हाल, क्या माहौल हो चुका है इस देश का। देखिए गरीब लोग जो हैं, उन्हीं का पैसे से चलता है देश, कोई नेता उसके घर से नहीं ले आता है, हम भरते हैं टैक्स और हम देते हैं वोट। किसी को गाली देने से कोई फायदा नहीं है, अगर गाली देना है तो खुद को देना है, क्योंकि हम चुप चुके हैं। हम सोचना चाहिए हमारा पैसा कहां जा रहा है। अगर ये इलेक्शन, ये चुनाव लड़ना है तो हमारा बच्चों की भविष्य के बारे में लड़ना है। हमको एक समझना है,
कोई बच्चा गरीब नहीं पैदा होता। हम अनपढ़ हो सकते हैं, हमारा बच्चा अनपढ़ नहीं होना चाहिए। तो सरकार जो करना है, हमारा स्कूलों को ठीक करना है, हमारा पैसे से है उसको, हमारा बच्चों का आरोग्य के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन ये लोग गाय के बारे में सोचते हैं, कौम के बारे में सोचते हैं। हमको ऐसी एक आवाज चाहिए जो दलितों के लिए, किसानों के लिए, जो गरीब है उनके लिए, जो माइनॉरिटी है उनके लिए बात करेगा, उनके लिए संसद में आवाज उठाएगा। इसीलिए मैं आया हूं घनैया के लिए, क्योंकि घनैया बेगूसराय का इंसानी नहीं, इस मिट्टी का खुशबू है और ये खुशबू संसद जाना चाहता है। इस खुशबू को संसद भेजिए, देश का भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, हमारा योजनाओं के भविष्य के लिए और किसानों के भविष्य के लिए। और हम सब लोग यहाँ आए हैं भीख मांगने कि सिर्फ बेगूसराय के लिए नहीं, पूरा देश के लिए हमको खड़ा चाहिए। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। डायलॉग चाहिए, रिपीट डायलॉग बोलूंगा। आली रे आली, आती कन्हैया का बारी आली।